Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि शहर में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहां मादक पदार्थों की काफी बिक्री जिसमें अफीम इसमें एक चरस और गांजे की होती रहती है, तो इसके तहत ही हम कार्रवाई कर रहे थे। डाइट रोड पर जब नाकाबंदी की जा रही थी उस दौरान दो व्यक्ति, एक गोपाल लाल और एक देवलाल, जो कि नाकाबंदी को देख करके भागने लगे, जिनके कब्जे से 2 किलो 245 ग्राम अफीम बरामद हुई है। साथ ही साथ उनके पास 21,400 रूपये और 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। ये जो लोग हैं भीलवाड़ा से अफीम लेकर के आ रहे थे और यहाँ इनको सप्लाई करनी थी, इसी दौरान ये धरे गए हैं। इनके जो पूरा नेटवर्क है उसको तलाश किया जा रहा है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करके, और इनको जो आगे जहां से लेकर आ रहे हैं और जिनको सप्लाई करने थे उनके आगे अनुसंधान में कार्रवाई की जाएगी। क्या तस्करी का नेटवर्क है इनका पूरा सप्लाई? हाँ बिल्कुल, इनका जो है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और ये जो ये है यहाँ से इस तरह से अफीम कलेक्ट करते हैं, और फिर ये जो अन्य शहर है जयपुर, कोटा और बूंदी और भीलवाड़ा और टोंक, यहाँ पर ये इसका सप्लाई करते हैं। विशेष रूप से जो इनका जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा है, ये एक इनमें एक भीलवाड़ा के रहने वाला है और एक मुलजिम जो है बूंदी का रहने वाला, तो यहाँ की पूरी टोपोग्राफी और पूरे रास्तों को जानते हैं, तो उसी हिसाब से ये लोग अपने ग्राहकों को ढूंढ करके, और जो इनके है बिल्कुल गांव ग्रामीण प्रवेश दिखते हैं, तो इनके ऊपर एकाएक शक भी नहीं होता है और बड़े ही चतुराई से ये इस काम को अंजाम देते हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.